संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा गुरुवार को ब्यावर पहुंचे। मेहरा गुरुवार को जवाजा पंचायत समिति के रबतखेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में भाग लेने के लिए ब्यावर पहुंचे। इस दौरान मेहरा उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसडीएम मृदुल सिंह तथा सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात उन्होंने ब्यावर उपखंड की साफ सफाई, अतिक्रमण तथा कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए एसडीएम कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त मेहरा ने एसडीएम सिंह को कृषि रूपांतरण प्रकरणों सहित अन्य पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मेहरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक तो ब्यावर उपखंड अधिकारी कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के हिसाब से दो रहे हैं। दूसरा, आप सभी को विदित है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 1 जनवरी 2023 को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, उनका कार्य भी चल रहा है। वो 9 नवंबर 2022 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ है और 8 दिसंबर तक एक महीने की अवधि में जो है मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए, नाम संशोधन के लिए ये आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। उस काम को ही मुझे चेक करना होता है। उसमें संभागीय आयुक्त अपने संभाग के लिए रोल ऑब्जर्वर होता है। उसी क्रम में, उसी के साथ ही जो मैंने अभी रबतखेड़ा ग्राम पंचायत जो है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई होती है प्रथम गुरुवार हर महीने का, उसके तहत जो आज 1 दिसंबर जो है, इसमें दिसंबर माह का प्रथम गुरुवार है, वहाँ बतखेड़ा भी हम लोग जाएंगे और वहाँ भी जनता की जो परिवार है उनकी हम सुनवाई करेंगे। तो यहाँ जहाँ तक ये वार्षिक निरीक्षण का संबंध है, मैं एसडीओ साहब से ये आग्रह करता हूँ कि जो बकाया पेंडिंग केसेज है, जैसे भूमि रूपांतरण के है, भूमि आवंटन के है, उनका निस्तारण करेंगे और किसी भी स्तर पर जो पेंडिंग हो उसको पटवार मंडल वाइज आप समीक्षा कर लेंगे।